कैसे हैं आप सब। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय निशांत एकेडमिक फिजिक्स टीचर। बेटा अब तक हमने लेक्चर नंबर 2.1 2.2 पढ़ लिया था। उसमें हमने नहीं पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था और आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती। तो हमने वहां पर ये एक्सप्रेशन भी उसका नोट डाउन किया था कि किस टाइप से उसका एक्सप्रेशन आता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरी साइड आपको पता ही है, एनके फिजिक्स क्लासेस के नाम से आप सर्च मार सकते हैं और जितने भी सारे टॉपिक्स रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, 9 to 12 का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके पास रहेगा कौन सा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। तो यहां पर आपके पास मैं मान लेता हूं एक आपके पास पॉइंट चार्ज है जिसको आप सोर्स चार्ज भी कहते हो, ठीक है। पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। मैं एक पॉइंट लेके आ रहा हूं, मेरे पास एक पॉइंट है वो मान लेता हूं मैं पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। वो हम कहां से लेके आए हैं, हम लोग इन्फिनिटी से लेके आए। वो क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस वन। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको मान लगा मैं प्लस वन। वो हम याद रखना कहां से लेके आए हैं, इन्फिनिटी से लेके आए। कहां से, इन्फिनिटी से लेके आए, ठीक है। तो हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो होता है, होता है, ठीक है। हाँ, यहां से लेके यहां तक मैं डिस्टेंस ले लेता हूं एक्स। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना चल रहा है आपके पास, एक्स चल। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब क्या कर रहा है, अब यहां देखो आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगी इस क्यू चार्ज की, इस क्यू चार्ज की जो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगी वो किस डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन में होगी, नहीं होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स कितनी है, क्यू नॉट ई। क्यू नॉट क्या आपके पास, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब प्लस वन, ठीक है। तो यहां पर आपके पास फोर्स अप्लाई हुई, क्लियर। तो यहां पर जब हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई की, याद रखना एक्सटर्नल फोर्स आप लोग किसके एक्सेलरेट को कंट्रोल करने के लिए अप्लाई करते हो, वो आप जब एक्सटर्नल फोर्स यहां से अप्लाई करते हो वो किसके एक्सेलरेट को कंट्रोल करने में अप्लाई करते हो, इसके एक्सेलरेट। भाई जब कोई भी चार्ज इसके पास आएगा तो दूर भगाएगा, ठीक है, दूर एकदम से भगाएगा, तो मतलब वो एक्सेलरेट करेगा। तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होती है इस साइड से ताकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। तो हम उतनी ही फोर्स अप्लाई करते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी। वो कौन सी फोर्स होती है आपकी, एक्सटर्नल फोर्स होती है। अब जब हम लोगों ने वो फोर्स अप्लाई की, अब मैं मान लेता हूं आप लोग कहां लेके आए हो, ए पॉइंट पे लेके आए, वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप लोग कहां लेके आए हो, ए पॉइंट पे। तो भैया जब आपने कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा, भाई यहां से कहां लेके आ रही है यहां, तो वो डिस्प्लेसमेंट दे देता हूं मैं कितना, dx। कितना, dx। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी dx की, ये कितना हो गया आपके पास dx, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, होगी। मैं यहां से यहां का डिस्टेंस देता हूं कितना, ले लेता हूं r, कि आपको r से लाना है। मेन मोटिव क्या था आपका, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से, इसकी वजह से जो क्रिएट हो रहा है। अब यहां पर देखो मैं इन्फिनिटी से लेके आया हूं, तो पहले मैंने यहां रखा, फिर यहां से कहां ले आया, यहां पे ले आया, ठीक है, ए पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से मैं कहां लेके आया हूं, ए पे। इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी, इन्फिनिटी। फाइनल पोजीशन क्या है उसकी, ए पॉइंट, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर। क्लियर हो गया, सिंपल, ठीक है। तो यहां देखो हमारे पास जो वर्क डन आता था, हम लिख लेते हैं यहां पर, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर अ यूनिट या फिर सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज, ये आपके पास कितना चल रहा है, टेस्ट चार्ज प्लस का वन। टेस्ट चार्ज कितना है आपके पास, प्लस का वन, याद लिख देता हूं, प्लस का वन टेस्ट चार्ज।
इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पर, पी पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है जी, एट डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम प्लस क्यू, यहां तक हो गया। हमें क्या पता करना है, पहले वर्कडन पता चल रहा है, वर्कडन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। अब याद है हमने जो फोर्स अप्लाई की थी वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स थी, ठीक है। अब इसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई है वो कौन सी फोर्स है, ये वाली फोर्स है, हमें पता किससे करना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, तो फोर्स भी कौन सी लगेगी, इसकी वजह से, याद है फोर्स जो अप्लाई हुई है वो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में हुई है, डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है इस डायरेक्शन में, तो आपका वर्क डन हो गया, हो गया वर्क डन। तो यहां पर आपके पास वर्क डन जो हुआ है, लिख देते हैं वर्क डन ऑफ ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कहां से लेके आए हो आप, इन्फिनिटी से लेके आए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहां तक लेके आए हो, टू आर डिस्टेंस तक, यहां तक लेके आए हो भाई, यहां तक आर तक लेके आए, तो यहां पर लिख लिया, तो वर्क डन कितना होगा आपका, स्मॉल वर्क डन कितना होगा आपका, वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हो गया। अब याद है ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसको हम खोल लेंगे, तो एफ और एक्स के बीच का जो एंगल है वो कितना एंगल बना रहा है, एफ और एक्स, एफ की डायरेक्शन ये वाली, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये वाली, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है 180 डिग्री, क्लियर हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री। तो यहां पर आपके पास इसे खोलोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डॉट डी एक्स कॉस 180 डिग्री, ठीक है, और कॉस 180 की वैल्यू होती है कितनी, -1, मैं यहां लिख देता हूं कॉस 180 इक्वल टू कितना होता है, -1, क्लियर। तो यहां कितना हो गया, माइनस का एफ डी एक्स, क्लियर हो गया, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये उतारो से फटाफट पूरा। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला जो आ गया वो कितना आ गया, वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी एक्स आ गया, ठीक है जी। अब इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, फोर्स कितनी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 सोर्स चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है, +1, ठीक है, +1 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, एक्स, तो ये होगा आपके पास कितना, x2, यही होता है फॉर्मूला। तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कहां पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, जो कि आपने कौन सी वाली है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो यहां पर इसकी फोर्स की वैल्यू कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन x2 और डी एक्स, ये हो गया -1, क्लियर। अब दोनों साइड क्या कर दो आप, तो इंटीग्रेशन किया दोनों साइड, तो डब्ल्यू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 क्यू अपॉन x2 और ये हो गया कितना, डी एक्स, क्लियर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम आराम समझा रहा हूं, बस आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है समझने के बाद। तो यहां पर देखो लिमिट क्या होगी इसकी, लिमिट बताओ कहां से लेके आए हम लोग, इन्फिनिटी से लेके आए, कहां पे लेके आए, ए पॉइंट पर, ए डिस्टेंस कितना आपके पास, कितना है आर, भाई यहां से यहां तक तो पूरा इन्फिनिटी चलेगा ना, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से कहां लेके आए उसके सोर्स आपके पास, आर डिस्टेंस पर, तो यहां पर कितना हो गया, इन्फिनिटी से लेके आर, जो कि माइनस, ठीक है, कोई डाउट, बहुत ही सिंपल है। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/4π कॉन्स्टेंट है तो हमने क्या ले लिया बाहर, 1/4πε0 चार्ज भी लेके लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या ले लिया, इन्फिनिटी से r, तो हो गया आपके पास कितना, 1/x2 और dx, कोई डाउट, क्लियर। जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इंटीग्रेशन में, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपका इंटीग्रेशन होता है और एक्स की पावर एन होती है इंटू डी एक्स, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन +1 अपॉन एन +1,
ये याद फॉर्मूला रख लेना, क्या होता है मैथमेटिक्स टर्म में, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है उसके वैल्यू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो हम यहां से आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आपके पास डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी आपके पास वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर, अभी आपके पास x की पावर 2 है, इसे ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 2 dx, क्लियर हो गया, सिंपल है। अब n की वैल्यू क्या है माइनस का 2, ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब, तो हो गया कितना माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस 1, कहां से कहां तक इंफिनिटी से लेके आर तक, क्लियर। अब यहां कितना हो गया ये माइनस का, यहां पर यहां माइनस का, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो ये हो गया आपके पास x की पावर माइनस का 2 प्लस 1 कितना हो गया माइनस का 1, माइनस का 2 प्लस 1 माइनस का 1 इंफिनिटी से लेके आर, कोई दिक्कत, सिंपल है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ठीक है। तो आपके पास वर्क टाइम कितना आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये हो गया आपके पास, इसे ओपन लिख लो 1 अपॉन एक्स, और ये हो गया आपके पास इंफिनिटी प्लेस लेके आर तक, ठीक है। ये माइनस का 1 तो नीचे आ गया 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल बहुत आसानी समझा रहा हूं, बहुत ही इजी तरीके से। यहां पर आपके पास कितना हो गया, एक बार r रख दो x की जगह, एक बार इंफिनिटी रख दो, तो यहां पर कितना हो गया w 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये हो गया आपके पास कितना 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। और 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू होती है कितनी 0, तो 1 अपॉन इंफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास 0, तो ये तो 0 हो गया। फंक्शन कितना आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, कोई दिक्कत, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपके पास वर्कन आया, हम लोगों को क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी हमारी कहानी खत्म नहीं है, अभी तो हमारे पास क्या आया है वर्कन आया, क्या वर्कन, हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और बेटा जी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, यही होता है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या है प्लस का वर्क, यही है। तो मैं क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ V इक्वल्स टू किसके चल रहा है आपके पास वर्क डन के, और वर्क डन की वैल्यू क्या था आपके पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है, ठीक है, प्रैक्टिस करो उसकी। तो V से हमें क्या पता लग गया, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है R के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके R के, मतलब जितना ज्यादा आपका R इंक्रीज होता जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही कम होगा। ये वाला कारण भी देखो, इन्फिनिटी पे जा रहा है तो मतलब आपका आर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इन्फिनिटी पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम होगा होगा, और वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इन्फिनिटी पे जीरो, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहां से भी ड्राइव कर लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एग्जामिनेशन में, ये पूछा जाता है आप लोगों को, कंपेयर किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, अगर पॉइंट चार्ज की बात होती है, हम लोग जब हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं हम लोग ड्यू टू द पॉइंट चार्ज की वजह से, वो क्या आता था आपका E is inversely proportional to R square, यही आ रहा था। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, वो कितना आया पॉइंट चार्ज की वजह से E is inversely proportional to R आया। तो इन दोनों ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मेरे को आप लोग ये बताना कि कौन सा ग्राफ किसका, ठीक है। तो हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ, आइए न जाने कब से उम्मीद कुछ बाकी है, ओ अच्छा उम्मीदें रख रहे हो, बहुत सही उम्मीदें रख रहे हो तुम तो, ओके अच्छा जी ठीक है, ओके जी ओके। अच्छा अच्छा
बादल में शर। हाँ, अब आप लोगों को बताना है कौन सा ग्राफ किसका है। आपके पास कौन कौन से ग्राफ है? आपके पास है V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E, आपके वाई एक्सिस पे है और आपके पास R है, ठीक है। यहां देख के बताओ कि कौन सा ग्राफ कौन सा, पोज करके देखो कौन सा ग्राफ कौन से का, ठीक है। यहां देखो, यहां R स्क्वायर है, यहां कितना है E, मतलब अगर ज्यादा R चलेगा तो ज्यादा E क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां देखो, अगर R इंक्रीज हो रहा है तो बी, सॉरी R इंक्रीज हो रहा है तो बी भी क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए कौन सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर यहां सिर्फ क्या है आर, तो आर स्क्वायर मतलब ज्यादा इंक्रीज होगा तो ई क्या होगा, ज्यादा डिक्रीज। आर इंक्रीज हो रहा है बी, इसके मुकाबले क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, कम डिक्रीज होगा। दोनों में ग्राफ है। अगर मैं ब्लू लाइन की बात करता हूं, आर इंक्रीज हो रहा है तो ब्लू वाले जो आपका ग्राफ है वो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, ये ज्यादा डिक्रीज हो रहा है पूरा, तो इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ किसका है, ये आपका ग्राफ है ब्लू वाला, वो आपका ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का, क्लियर हो गया, क्योंकि वो ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। अब ये आपका देखो, ये वाला ग्राफ, ये रेड वाला ग्राफ है, क्या ये इसके मुकाबले ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, नहीं ना, तो मतलब ये किसका ग्राफ है आपका, वी का, तो आपके पास V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का ग्राफ। कोई दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत बार एग्जामिनेशन में दोनों को कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है कि दोनों के ग्राफ आप बनाओ विद रेस्पेक्ट टू R के, ठीक है। तो कोशिश यही है कि आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन पे। आज के लेता रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहां तक रखते हैं आज, हम लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद जय भारत।